आप सभी को मेरा नमस्कार। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी और 1992 में कुछ संशोधन किए गए, यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बुधवार को मंजूरी दी है। तो ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें प्रश्न भी आ सकता है कि किसकी अध्यक्षता में यह समिति का मसौदा तैयार हुआ था, तो आप इसे ध्यान रखें। पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। जानते हैं 5+3+8+3+11+4+15 ये क्या मसौदा है, ये सब क्या है जानते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातें। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा यानी लोकल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा उसमें पढ़ाया जाएगा। स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या इससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई जो फॉरनर लैंग्वेज है सेकेंडरी लेवल से शुरू होगी, जो वर्तमान में कई विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में प्रथम कक्षा से स्टार्ट होती है और बाकी अन्य 5वीं 6वीं से, तो उसी की तरह ये अब 10वीं लेवल से स्टार्ट होगी। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अभी स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। लगभग 2 करोड़ बच्चे पूरे भारत में स्कूलों से दूर हैं, उन्हें वापस जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें भी शिक्षा मिल सके। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 के ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रम से 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों की स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी, यानी टोटल 15 जो वर्ष होते हैं उसमें 3 साल आंगनवाड़ी की होगी और 12 साल स्कूल की शिक्षा होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल प्री प्राइमरी गौर कीजिएगा, उसके बाद पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में 3री, 4थी और 5वीं क्लास को रखा गया, यानी 3 और 2, 5 साल तक तो हमें पहली दूसरी कक्षा तक ही रुकना पड़ेगा और उसके बाद 3री, 4थी और 5वीं क्लास हैं। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, यानी विषय से संबंधित परिचय ही होगा। सभी छात्र केवल 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा में ही परीक्षा देंगे। परीक्षा का जो सिस्टम है 3री, 5वीं और 8वीं यानी 3 साल, 1 से 8वीं तक 3 साल ही देने पड़ेंगे। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, एक अलग से विभाग जो समग्र देखरेख करेगा। पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव की बुनियादी यानी गणित पर पूर्ण जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्योत्तर गतिविधियों और
व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठन के साथ परामर्श किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब है रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य है, जो अभी 4.43% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेटियो पहुँचाने का लक्ष्य है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार यह 26.3% है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी कारणवश छूट जाती है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी होगी कि अगर वो कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो ले सकते हैं। उस शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वे 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें MPhil की कहीं आवश्यकता नहीं है। तो ये था 5+3+3+4 का मसौदा, जिसमें हमने जाना है कि किस प्रकार शिक्षण व्यवस्था में बदलाव किए गए और हमें कितने अवसर हैं। अपने विचार ज़रूर दें, SMS करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।